Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, pyare dosto. Aaj hum 6 September ke hawale se ek wallpaper banayenge. Jaise ki maine pehle bana ke rakha hua hai. Ek ye hai aur ek ye maine banaya hai. To isko banane ka tareeka main aapko bataunga. To ye do wallpaper maine bana ke jo rakhe hue hain ye aapke liye hain. Aap apne istemal mein isko rakh sakte hain. First of all, iske size ki taraf chalte hain. Ke inke size kya rakhne hain. तो ऐसे करते हैं मैं इसका साइज यहां से देता हूं अपने वॉलपेपर के लिहाज से साइज का बार-बार पूछ रहे हैं दोस्त कुछ ये साइज देने का क्या तरीका होता है तो मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं मजीद मैं आपको आज बताता हूं इसका क्या तरीका कार होता है और हम यहां जाएंगे पिक्सल्स में क्योंकि हम हमारे मॉनिटर टीवी वगैरह पिक्सल्स में होते हैं पिक्सल्स में लिया जाता है मगर इनके जो पिक्सल पर इंच पीपीआई पिक्सल पर इंच के हिसाब से होता है तो उसका तरीका कार ये है कि मैं इसको पिक्सल में कन्वर्ट करता हूं और यहां से इसको 20 बाय 10 80 कर देता हूं ये मैं करके इंटर प्रेस करूंगा ये देखिए ये इसका साइज आया अब मैं इनमें से एक को ब्रेक करता हूं ताकि ये डेटा इसमें से मैं हासिल कर सकूं ये है मैंने इसका डाटा यहां से निकाल लिया इसको मैं रिमूव कर देता हूं तो ये पूरा डाटा सामने हमारे आ गया ये मैंने एक लोगो बनाया 6 सितंबर के हिसाब से पूरा नाम ये 6 है ये सितंबर है मीम बीसी में है तो थोड़ा लोगो टाइप बन गया ये इसको बनाना बहुत ही आसान है फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप इसको ओपन कर लें और यहां पे आके आप इसको लिख दें सितंबर ठीक है यहां से लिखता हूं जैसे ये आप इसके ऊपर देखिए कैसे बेहतरीन फिट हो रहा है ऐसे ही मैंने इसको किया था फिर अब कर देता हूँ इसको थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा करते हैं ताकि ये उसे बाहर निकल के नजर आए अच्छा उसी की तरफ लेके चलते हैं इसको साइज दोबारा बढ़ा लो ऐसे ही उसी को देख के इसको बनाए तुम कभी ना रहे ऐसे वो बने हुए वैसे होते हैं इसी लोगों को बहुत टाइम लग गया मैंने तरीका डिफरेंट हो जाए इस सितंबर के लिहाज से वो मैंने किया है ये करते हैं कि मैं इसको सेम वैसे ही कंट्रोल क्यों कर देता हूँ और वैसे ही वाई फ्रेम इन पीसेस को वेल्ड कर दें आप यहाँ से पहले ब्रेक अपार्ट सिलेक्ट करते जाएं और यहाँ से वेल्ड करते जाएं चाहे तो एक बार भी आप सिलेक्ट करके इसको वेल्ड कर सकते हैं पहले मैंने आपको तरीका उसका बताया है कि वन को सब पे कट करके आप वेल्ड कर सकते हैं अब मैं आपको मुख्य को बता रहा हूँ ये यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले इसको रिमूव कर देता हूँ सिलेक्ट किया इसको रेक्टेंगल को शिफ्ट प्रेस करके स्तंभ को क्लिक करें और यहाँ से आप ट्रिम कर और सॉरी वेल्ड कर दें इसको मैं अटैच कर रहा हूँ उसके साथ और ये सारे को यहाँ से वेल्ड कर दें वो जो गैप था वो ख़त्म हो गया मिलूंगा यहाँ से बॉक्स को आप सेट करके साइज में लिया बिल्कुल पूरा बॉक्स साइज होना चाहिए ज्यादा कम या ज्यादा ना करें इसको इसको सेट करके यहाँ इसमें से इसको ट्रिप कर देना है ये देखिए ट्रिप हो गया अभी रिमूव करें अब आपका 6 यहाँ पर सही बैठ जाएगा वापस की लेंस भी कर सकता हूँ ये क्या अब इसको डिएड करते हैं काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस सबको सेट करता हूँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया पूरे को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी कापी अलग ले लो पूरे को सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया ये एक हो गया अच्छा इसका डुप्लीकेट लेता हूँ एक रेड सॉरी ड्रैग करके रेड क्लिक कर दे अच्छा आप इसका कलर इफेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दें वो ऊपर से नीचे था ये नीचे से ऊपर कर दें आउटलाइन आप ले लें यहाँ से थोड़ी बोल्ड और आउट को यहाँ से फर्दर ठीक है बिहाइंड फिर स्केल आउटलाइन और फिट करके वो भी कर दें फिट किया ये देखें थोड़ा गला खराब है अब इसको इस जैसा ही करना है इसको यहाँ लेके आए
नीचे जा रहा था, 86 से नीचे जा रहा था। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ से एक वाइट ले लें, ये इसके से एक रेक्टेंगल ले, ऐसे वाइट करें, आउटलाइन हटा दें, और अब इस अब इसकी एक और कॉपी यहाँ पे लें, इसको कम कर लें, थोड़ा सा वर्ड बढ़ा लें और इसको इसके बराबर लाए, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करूँगा और पूरी तरह इसके कवर हो जाए। ये ऐसे राइट क्लिक करें, पावर क्लिप और यहाँ क्लिक करें, वैसे इसको करना है, इसको सेट करें, पावर क्लिप और क्लिप यहाँ क्लिक, ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। अब इसको ड्रैग करके इसके बराबर करें और कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करें, अब इससे बाहर आ गए। इसको चाहे तो आप आउटलाइन वाइट दे दें, ये सेम ऐसे, और इसकी आउटलाइन को आप दे कोई और सा कलर दे दें, जैसे कि ये है, ये अच्छा और दे दें, फैक्ट और दे दें, वो आपकी मर्जी है। इसको मैंने ऊपर लाइट और नीचे डाल दिया हुआ था, लाइट दे देता हूँ, ड्रैग करके डाल दिया, बस ये बन गया। इन लोगों के ऊपर बहुत वक्त लगता है, इस तरह ज़्यादा लोग जाने बनते हैं। अब चलते हैं वॉलपेपर के लिए, और भी करूँगा, ये रेक्टेंगल आ गया, तो ये मैंने पिक्चर्स लेकर ग्रुप करता हूँ, तो ये देखिए सिंपल सी मैंने पिक्चर ली। मैं आपको एक बनाने का तरीका बता देता हूँ पूरा, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये मैंने एक पिक्चर ली, यहाँ से सर्कल लेता हूँ और मैं यहाँ से डार्क करके आउटलाइन कर देता हूँ और फिल वाइट कर लेता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक करके पावर क्लिप इसके अंदर करना है, और यहाँ से मैंने ये शेप्स में से पहनर लिया, पहले में से मैंने ये एक शेप ये लिया, तो इसको मैंने ऐसे ड्रैग करके ऐसे ले लिया, तो थोड़ा ये कर ज़्यादा है तो मैं इसका कर कम कर लेता हूँ ऐसे, बस इसको सेट किया और इसको सेट करके सी कर देता हूँ, इसके सेंटर में आ जाए, और इसमें मैं कर ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ट्रेड पर घूम के थ्रू यहाँ से ग्रीन सेंटर में लेता हूँ, ये यहाँ से फास्ट कलर यहाँ देते हैं लाइट और डार्क कलर का इंतजार है, जब क्लिक किया है ये लिया प्लीज, और यहाँ से ये कर दिया, कोई भी फैक्ट दे सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, बस मैंने नाम लिखा है उनको, मैं जैसे आप तक देखकर बताया सेम वैसे शिफ्ट पे जब कर देता हूँ, इसको सेट किया ई ऐसी कर दिया, ये देखिए सेम वैसे। अब इसको मैंने ड्रैग करके ये थोड़ा नीचे किया, यहाँ राइट क्लिक कर दिया, फिल कलर ब्लैक और कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, और आउटलाइन भी ब्लैक, ये ऐसे बस, ये ऐसे ही मैंने बनाए हुए हैं सारे, इसका यही तरीका है। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, उठा के ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पैलेट सेट किए हुए हैं, इस पर क्लिक करते आप कोई सा कलर अप्लाई करें, और क्योंकि मैं बार बार ग्रीन ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 6 सितंबर या पाकिस्तानी फ्लैग का मुझे कलर चाहिए, इसलिए मैं बार बार यहाँ से वही कलर ही ले रहा हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट बनाने के लिए, और नीचे की तरफ वाइट है, येलो दे सकते हैं या कोई भी कलर आपकी मर्जी है, ये कलर ठीक है, बस ठीक। और यहाँ से रेक्टेंगल होगा और एक और ये ऐसे ब्रिक्स है, और मैं हटा के कोई से भी कलर कर देता हूँ, मैंने इसमें कलर नहीं, इफेक्ट का तरीका है, इफेक्ट का तरीका सेम वही है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्लिक किया और ये यहाँ भी आप सेम वही कलर फिल करें, आगे डार्क ले लें, एक तो ये इफेक्ट बना, आप ऐसे इफेक्ट बना सकते हैं। नीचे एक और इफेक्ट देता हूँ, उसका तरीका मैं बार बार वीडियोस में दे चुका हूँ, मैं ड्रैग करूँगा, इसमें मैं कोई भी डार्क येलो कलर ले लेता हूँ,
या कोई सभी ले सकते हैं अपनी मर्जी का। और सेम ऐसे यहाँ पे डार्क लिया, सेंटर में ला के यहाँ से एक मिनट लाइट से ले लिया, इसको मैं यहाँ से रिपीट देता हूँ। ये देखिए ये कर, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे जो मैं दिफाई पाकिस्तान लिख के रखा हुआ है, ये बिल्कुल ही सिंपल है उर्दू का, आप ये बना के यहाँ पे दे सकते हैं इसे। और ये 6 सितंबर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने उर्दू का लिखा हुआ है, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम बना रहे हैं इसको भी आप यहाँ पे, इसको थोड़ा इसके साइज को कम करते हैं। प्रेस करके सेक्टर में लाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूंगा ताकि और खूबसूरत बने। यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ, स्क्वायर बॉक्स, इसको 45 पे घुमाता हूँ, 45 यहाँ एंगल पे लिखूंगा, यहाँ ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ से इसको इस तरह लेके आता हूँ, क्लिक किया और ये ड्रैग करके एक और कॉपी ऐसे बना दी, ये ऐसे बना। और यहाँ से एक सेक्टर लेता हूँ, ये इनके सेक्टर पे आ गया है ऐसे। इनमें मैं कलर वाइट फिल कर देता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, इसको ले आता हूँ यहाँ पे। अब मैं सिर्फ सर्कल को सेट करूँगा और यहाँ से इसका इफेक्ट फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लूँगा और यहाँ से लेप्टिकल ले लूँगा। अब ये ऐसे आया इफेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट किया और ये थोड़ा बड़ा किया, ज़्यादा बड़ा हो गया बस। हाँ, ये इफेक्ट बना, दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से वेंड कर देता हूँ। ये सर्कल वाला इफेक्ट मैं सेम यहाँ पर दूँगा, इन पे यहाँ से सेलेक्ट किया और ये बस ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर देता हूँ, ये इसको सेलेक्ट किया, दोबारा क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करता हूँ, ये 45 पे घूम गया। अच्छा, इसका साइज़ आप मुझे कम कर, तो ये साइज कम कर लूँगा या बड़ा भी कर सकते हैं आप, इफेक्ट वैसे ही आएगा। पहले मैंने आपको इसका तरीका और वीडियोस में और बताया था, यहाँ पे थोड़ा मैंने चेंज किया है, मैंने इसको इमेज नहीं बनाया क्योंकि इमेज का साइज बड़ा हो जाता है, ये अभी भी वेक्टर ही है। इसको सेट किया कंट्रोल जी करके, ग्रुप कर लेते बस जी, कर ले आप, ये देखिए लाइट इफेक्ट है, इसको सेट किया और यहाँ पे ला के मैं स्पेस प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ये मुख्तलिफ कापियाँ बनती जाएंगी इसकी। यस, बस आपने सेलेक्ट करके रखना है और ऐसे ड्रैग करते जाना है, बहुत प्यारे प्यारे से इफेक्ट देके आ रहे हैं उसी लाइट इफेक्ट से ही। देखिए ऐसे, मैं तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो तो आपकी मर्जी। चले जी, वॉलपेपर बन गया, मेरे आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा या आपको कैसा लगा, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे CDR फाइल भी शेयर करता है, तो इसकी CDR फाइल आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी या आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको इसकी CDR फाइल सेंड कर दूँगा। Thank you for watching.